सलीम खान साहब और अजीजम सलमान खान, अरबाज खान, आलमन एक का नाम सोहेल खान है, बाकियों के मुझे नाम नहीं आते। मेरा आप सब फैमिली को मोहब्बत भरा सलाम हो। और बाकी सलीम भाई, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको सलमान खान जैसा फर्मा बरदार बेटा मिला है। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होकर ये आपका नौकर बन के जिंदगी गुजारता है। मुझे शोएब अख्तर ने सलमान भाई की दो बातें बताई, उसके बाद से मैं इनका फैन हो गया हूं। एक ये कि अपने माँ बाप के बहुत ही फर्मा बरदार हैं और उनके आगे खड़े रहते हैं और छू भी नहीं करते, जैसे कहते हैं फौरन उसमें लग जाते हैं। ये जन्नत का रास्ता, जिसने माँ बाप को खुश किया उसके लिए जन्नत है। तो आप तो बड़े आला दर्जे के मुसलमान हैं। फिर दूसरी सिफत उसने बताई कि इतने बड़े सखी हैं कि जितना झूठ बोलें वो सच है। तो मुझे और सखी से अल्लाह प्यार करता है। तो आपकी सखावत और आपकी माँ बाप की फरमा बरदारी ने मुझे आपका फैन बना दिया है। पाकिस्तान के मौलाना तारी जमील हुए सलमान खान के फैन, कहा जन्नत के रास्ते पर है भाई। पाकिस्तान के चर्चित मौलाना तारिक जमील हाल ही में वायरल हुए एक वायरल वीडियो में बॉलीवुड स्टार सलमान खान की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें वो सलमान खान के पिता सलीम खान और उनके परिवार को ईद की बधाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सलमान जैसा आज्ञाकारी बेटा पाना सलीम के लिए सौभाग्य की बात है। मौलाना जमील ने कहा कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बावजूद सलमान नौकर की तरह पेरेंट्स की सेवा करते हैं। जमील ने आगे कहा कि पाकिस्तान क्रिकेटर शोएब अख्तर ने सलमान की दो खूबियां उन्हें बताई हैं, जिसके बाद वो सलमान के फैन हो गए हैं। उन्होंने कहा, पहली बात शोएब ने मुझे बताई कि बेटे के तौर पर सलमान कितने आज्ञाकारी है। सलमान से कुछ करने के लिए कहिए तो वो हिचकिचाते नहीं हैं। ये जन्नत का रास्ता है। वो अपने पेरेंट्स को खुश रखते हैं और उसे बहुत इनाम मिलता है। आप बेहतरीन मुस्लिम हैं। मौलाना आगे कहते हैं, दूसरी चीज उन्होंने बताई कि सलमान बहुत उदार है। ऊपर वाले ऐसे लोगों को पसंद करता है जिसका बड़ा दिल है, भले ही वो दूसरों की तरह भक्ति ना करे। अगर आप ईद की एक ही नमाज अदा करें तो मैं वादा करता हूं कि अल्लाह आपको प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि सलमान खान की उदारता और पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करने ने उन्हें फैन बना दिया है। बता दें कि मौलाना तारिक जमील को पाकिस्तान में लोग बहुत ही मानते हैं और उनके द्वारा दिए गए बयान हर धर्म के लोग पसंद भी करते हैं, क्योंकि वो अक्सर इंसानियत की बात करते हैं। उनको इंडिया में भी काफी लोग जानते हैं और इसके कारण मौलाना तारिक जमील का सलमान खान पर दिया ये बयान काफी वायरल हो रहा है। बात करें हम सलमान खान की, तो सलमान खान हमें जल्द ही इसी साल अंतिम और बिग बॉस के 15वें सीजन को होस्ट करते हुए नजर आएंगे। सलमान खान की दूसरी फिल्म अंतिम भी इसी साल रिलीज हो सकती है, क्योंकि वो फिल्म पूरी तरीके से बनकर तैयार है।